नहीं नहीं कभी कोई भाग जाता, कभी शादी के दो कराने के लिए कोई भाग जाता, कभी क्या हमारी बीवी भाग गई, यकीन मानने इनके पास डॉलर नहीं खत्म हो गए, क्योंकि इज्जत उन्होंने वैसे पेश कर ली, वो वीडियो भी तैयार करेंगे। तो बाद ये इसके जो है स्लाइसेस हो रहे हैं मछली की तरह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। जी शाम का है वक्त, क्योंकि दोपहर को हम सब सो गए थे और फिर कैशर ने अपने जो है ट्यूशन के टाइम उठाया है और साथ ही ये भी उठ गया और मोहम्मद भी उठ गया, तो कैशर और मोहम्मद चले गए ट्यूशन। फिर इसको मुझे ज़ाहरी बात है संभालना पड़ा, क्योंकि मेरी मैडम की तबीयत फिर खराब ही पड़ी है, क्योंकि सुबह ही देखा है आपने उनकी आँखें रेड ही पड़ी थी और आँखों की भी एलर्जी भी पड़ी है, बीपी भी हाई है और दाढ़ में भी बड़ा शदीद दर्द है। मतलब दो तीन मामलात एक साथ चल पड़े, जिसकी वजह से मैंने उन्हें मेडिसिन दी, मेडिसिन देने के बाद उन्हें सुला दिया और जैसे ही वो उठती हैं फिर इंशाल्लाह आपको भी, आपसे भी मुलाकात होगी और बाकी हमारी अब ब्लॉगिंग का हो चुका है शाम का स्टार्ट और इंशाल्लाह। तो जी दूध निकाला है मैंने फ्रिज में से और मैंने कहा चलो ये दूध ख़राब होने से पहले इसको कर लूँ गर्म, ताकि अगर खराब हो भी गया हो तो पता लग जाए वक्त ही कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। मैं इसलिए पहले जो है मैंने कहा चलो दूध कर लेते गर्म और उसके बाद बनाते हैं एक कप चाय, चाय पीते हैं फिर उसके बाद लगते हैं साफ़ सफाई में। और शहन भी आते हो, खैर हमने साफ़ सुथरा किया हुआ था लेकिन दोबारा से इसको धोना है, धोने के बाद और फिर हम बाहर चारपाइयाँ निकाल कर आज पंखा लगा कर बाहर सोएंगे। आज अंदर सोएंगे भाई? बाहर सोएंगे, कूलर पंखे के बगैर सोएंगे आज, लेकिन बाहर सोएंगे, लेकिन आज लगाएंगे पेडिस्टल फैन। ठीक है? ठीक है जी। पापा आपने भी चाय पीनी है? अच्छा जी, मम्मी बेटे को पिलाता हूँ चाय, फिर मम्मा को उठाते हैं अभी। हाँ मम्मा को उठाते हैं बिल्कुल, क्योंकि शाम का वक्त हुआ जाता है, मम्मा भी जो है फ्रेश हो जाए। तो जी खैर से मेरी मैडम होकर आ गई है फ्रेश। अच्छा तो क्या हुआ, शाम में हम सो गए दोपहर में? हाँ नींद आ गई, सब बच्चे भी सो गए थे, मैं भी सो गया था, मैं भी सो गई, मुझे उठाया ही नहीं, हमने किसी ने भी नहीं उठाया। क्या अच्छा उठाते हैं, हम तो भाई उठा ही नहीं सकते, देखो मुर्शिद जब सुकून कर रहे हो तो उन्हें उठाना बेवकूफ़ी है। खाया तो कुछ खाना पकाना चाहिए, वो ना मैं तो सोते ही नहीं दिन। हाँ लेकिन आज तो नींद आ गई ना? आज नींद आ गई, पता नहीं अभी तक नींद पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं? अच्छा चले चले। क्या कर रही है? क्या अच्छा चाय पियेंगे हम। चाय पियेंगे आप तो सालन का क्या करना है बताएं? सालन घिया पका लो। घिया पका रहे थे, उसमें क्या ऐड करूं? कुछ नहीं, घिया गुलावा, छोटा सा क्या, मुझे बस अंडा प्याज कर दे। मैं आप और कैक्शन ही बोलूं? हाँ जी तीनों बंदे हैं। चले देखते हैं कुछ ना कुछ करते हैं सोचते हैं। आज मूड नहीं लग रहा मुझे, आज वाकई मूड नहीं लग रहा है ना। चलो पानी तो दे दो, इन्हें सूखे पड़े, इन्हें तो मैं पानी दे रही हूँ, मगर क्या अच्छा मुझे तो पानी दे दो। हाँ तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ की बेटा वो अंदर करना दे ना। क्या क्या दिया? ठंडा पानी। तो मेरे बेटा को तो सर्दी आ गई है। आपकी मम्मा की आंख नहीं खुल रही ना, ठंडा पानी दो, इनके मुंह पे भी मारो ठंडा पानी, आँख नहीं खुल रही इनकी आज, बस ज्यादा ठंडा पानी ना। अच्छा क्या कह रहे थे कि आज ये पंखा नहीं चलाएंगे? हाँ कूलर पंखा नहीं चलाएंगे आज, पेडिस्टल फैन चलाते हैं बाहर बाहर। हाँ वैसे मौसम तो नहीं अभी, बस कूलर पंखे में सर्दी लगती है बेटा, पंखे में नहीं लगती इतनी सर्दी। जनाब मैं तो कह रही थी सोच ले, पता है क्या अंदर आँख नहीं खुलती यार, केचप पाइप लेके आओ मेरा बेटा, यहाँ पे अंदर आँख क्यों नहीं खुलती, हमने पर्दे डाले हुए क्योंकि इन्होंने जलाई होती है, सामने वालों ने लाई है, तीन तीन इनके बल्ब होते हैं ना, यहाँ पे फूक रहे होते हैं, यहाँ पे उसकी वो रोशनी हो गई। अच्छा आप दिन में बंद है, रात में जलेंगे वो बेटा, पहले पाइप खोलो सारा, पाइप खोलो सारा, खोल के लेके आओ। ये किसने इकट्ठा किया था ऐसे? अच्छा तो घास डाल दिया बकरी को? घास डाल दिया तो मैं, पता है घास डाला तो दोबारा घास हुआ, वरना मैंने तो साफ कर दिया था सारा।
सुबह घास खिलाने के बाद मैंने दोपहर में साफ कर दिया था सारा। मेरा बाबा मिर्ची किसने डाली है इसमें? आपकी मम्मा ने डाली है, इनके बीज उगाएंगे। आई ना जाए, मैं तो वो केयारी के कह रही थी के केयारी। सारे फूल बंद हो गए। अब सुबह धूप निकलेगी, सुबह धूप निकलेगी तो सुबह जो है ये फूल दोबारा से खिल जाए। तो इसका नाम रख दिया क्या, फूल दोपहरी? शाम में बंद हो जाते हैं चले, लेकिन माशाल्लाह खिले हुए बहुत सारे हैं, बहुत सारे फूल। ओन और लड्डू दोनों दूध पी रहे हैं अंदर बड़े कम दूसरे। अच्छा। ठीक है, ऐसे खुश के कद्दू लिए हैं ना खुद, हमने भी मैं बता नहीं सकती, कट ही नहीं रहे। गर्मी भी इतनी ज्यादा है ना भाई, तो इससे तो कम नहीं, बस ये भी गुजारी जाहिर है। पकाए तो क्या पकाए, इसी सोच में गुजारना, आज ये पकाए आज वो पकाए आज क्या पकाए। पकाने का तो खैर गुजारना ही सेपा होता ना, बच्चे ये नहीं खाते बच्चे वो नहीं खाते। छीलना ही मुश्किल हुआ। केशव मुझे दूसरी छुरी ला के दो, ठीक है? ठीक है। और शाम भी हो चुकी है, शाम के बल्कि रात ही हो रही है, मगरिब के जाने होगी। हाँ जी, तो खुद हम कह रहे कि मैं जाके ना बकरी को और घास ले आऊँ, क्योंकि रात को बकरी को ना भूख लग जाती है, हमारी जो नुकसान है ना इसको रात को भूख लग जाती है। कसम से कद्दू के साथ जंग करने वाली बात नहीं, घास बकरी का आगे और दूध भी। ये क्या मांग रहा है? मैं तो पैसे खत्म हो गए। क्या चाहिए? हैं? चाय मैंने बनाई नहीं, मैंने कहा आप आ जाएंगे फिर बनाएंगे। क्या चाहिए? एक क्या चाहिए? यार मेरे पे पैसे खत्म हो गए। यार मेरे पे पैसे खत्म हो गए। मेरे पे पैसे खत्म हो गए। मैंने भाई सबने इसके पाँव चलाने दे। है? अच्छा मुझे बताओ तो सही क्या चाहिए? मुझे देवी मिल जाएगी। कहाँ से सीखे ये पाँव चलाना? अच्छा चल मैं यार खांसी बहुत है, खांसी का कोई सिरप है? नहीं ये आ गया, इसके इसका कुर्ता ना होता सर। ये आ गया, ये लड्डू आ गया। पैसे दे दो, मेरा बेटा पैसे के लिए आया मेरे पास है, बता ना मुझे। पापा ने पैसे नहीं दिए? उन्होंने जेब में छुपा के रखे हुए। भाई आपने क्यों चीज में छुपा के रखे हैं? भाई मैं इसे चीज के लिए सुबह से दे रहा हूँ पैसे, अब दिए जाऊं दिए जाऊं। हैं भाई पंप पे चलो, क्या करूं इन कद्दूओं का? कद्दू रहने दो यार, ये बकरी को डाल देते हैं, पक्के हुए कद्दू हैं ये, तुली भी है। मैं इन सीम के घर का पानी पी के हो गया उस है? का पानी पी के तो अपने घर का चाहिए नहीं है। आलू गोश्त उबले हुए चावल आवाज आई आए हैं जी बबलू के घर से, हमने पकाए हैं। क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? तो मैंने मंगवाए हैं दो अंडे, ये अंडे अब हम पकाएंगे। क्यों जी आप खाओगे? नहीं। चलो मेहरबानी सर। ये रो रहे हैं। क्यों यार मांगे कुछ ज्यादा करना है? दुनिया कर रही है हम भी कर लेंगे तो क्या हो गया? हाँ ये तो है।
हाँ तो वो तो मोहल्ले दादों से मधुमेह का जो मर जाते हैं उनके सालन भी ले लेके खाते हैं वो तो सवा महीने तक है ना। हम नहीं खाते हैं तो सवा महीने तक आस लगाई होती है अब्बे की रोटी उधर से आएगी फोतगी वाले घर से। अच्छा हाँ जी क्यों आपको नहीं पता? अब क्या आपने बड़ी आसानी से कह दिया। अच्छा हाँ नहीं मेरे जहन से निकल गया सर जी जहन को ना फ्लैश धक्का करें। चलो ठीक है कि अक्षय ले चम्मच ले खाते हैं पहले थोड़े से। तो जी मैडम ने जो कपड़े कह रहा सॉरी बर्तन सारे धो दिए आज कपड़े थे भी नहीं ना मेरा ने दो दिए कैक्षा आपने धोए ना कपड़े आज अच्छा कैक्षा ने जी अपना यूनिफॉर्म धोया अच्छा। हाँ तो चाय नहीं बनाई अभी तक नहीं सब में बनाने लगी चाय बना लेती साथ वो दूध आया दूध भी गर्म कर लेती मैं सब कुछ करने लगी मुझे ये था पंखा चला के दिया इनको भाई। हाँ जी बाहर पंखा चलाया मैंने। अच्छा तो ये अलीना की प्लेट है क्या अक्षय ने क्या ना ये प्लेट अभी लेके आया ठीक हो गया मैं अभी भिजवा देता हूँ। अच्छा तो आमलेट बना लेते हैं जैसे आपका दिल करे जैसे आपका दिल करे वो दो अंडों का एक मछली अंडा नहीं बनाती तुम। अच्छा वो बना लो वो बना लो आज इसके लिए अंडा और बना दो एक और चाहिए और मंगवा देता हूँ हाँ ठीक है। एक अंडा क्योंकि अब तो मौसम सही है ना पहले तो मैं चेक करके ना अलग अलग टोलियों में डाल दी पता नहीं अपने पापा को कुछ कह रहे मैंने ये किया था मैंने वो किया था दूध भी मैंने कहीं गर्म कर लो मैंने कहा दूध भी हो रहा है गर्म इधर हाँ कर लो दूध भी गर्म लाइट बंद कर दिया क्योंकि फुजैल सो रहा है उधर सो ही ना बेटा वो सो ही ना जाए सोता नहीं है वो मुझे कम कर लाइट जली हुई होती है ना फिर वो जरा कम करता है नहीं 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 लगी मैंने सारा सामान धोया बहन भाइयों को भी समझा इसमें नहीं है ना सिर्फ इसमें एक चीज नहीं है इसमें ना धनिया नहीं है मैं ये भी बंद कर दूँ देखिए जिंदगी ऐसे जैसे कुछ सुकून में आ गई है तो इसमें मैं सिर्फ डालूंगी ये ना काली मिर्च गरम मसाला थोड़ा सा और थोड़ी सी काली मिर्च हाँ लाल मिर्च में नहीं डाल रही अपनी मर्जी इसमें लाल मिर्च अगर डालनी है तो डाल लें नहीं डालनी तो ना डाल लें। जनाब रोटी का क्या करना है रोटी आएगी बाजार से नहीं आटा है ना है हाँ जी बना लो ये डब्बी आप यहाँ पे रख गए हुए क्या कर रहे हो मोहम्मद नाराज हुआ है कौन मोहम्मद नाराज हुआ हां जी चलिए ऐसे पहले मैं सफाई कर लूं तो तवे पे मैंने रोटी भी बनानी है ठीक है ना ये मिर्च मिर्च बची है जिंदगी इम्तिहान लेती है जिंदगी इम्तहान लेती है। तो जी इनका इम्तहान ले रही है जिंदगी क्योंकि इन्हें या तो पांडो पांडी किया हुआ है या किया हुआ है रोटियों और चूल्हा चूली कोई बात नहीं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं जहां वहां मिचड़े ड्रामे बर्दाश्त कर रही है एक ये भी सही एक ड्रामा वो ड्रामा कह देता वैसे तो ये रोटी भी बर्दाश्त करते हैं। हाँ जी जी तो क्या कहती हैं आप मैंने क्या कहना आप आज क्या करो बढ़िया तैयारी शैक्षण
दरखास्त जेल जा रहे हैं। जेल जा रहे हैं? कौन जा रहे हैं जेल? पता नहीं सुनने में है, मगर तो कोई जेल गया तो नहीं है। हाँ जी, आज तक कोई भी नहीं गया। तो ये थकने नहीं लगते हैं जेल के। हाँ, और मैं कहती हूँ कि जो कहते हैं ना जेल का, अल्लाह ने को जेल दिखाए एक बार, तो ये रहा ना नानके घर की कुट भी खा के, रोटी भी खा के, दाल रोटी भी खा के। नहीं नहीं, सब कुछ मिलता है वहाँ पे, ठेका रहा है ना हमारे पास तो गोश्त का। हाँ, कोई नहीं, खुद हम गाड़ी डाल दिए कर देंगे। क्या तुम एक कुत्तो बकवास करते रहते हो चौबीस घंटे, कभी रिएक्शन वालों के खिलाफ, कभी हमारे खिलाफ, कभी सब्सक्राइबरों के खिलाफ। खुद एक बात को, ऐसे जो लोग होते हैं ना, लोग कैसे जो कुत्ते होते हैं वो किसी न किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं। तुमने आवारा कुत्ते की मौत देखी नहीं है? जी जी, आतनियाँ कहीं होती हैं, पसलियाँ कहीं होती हैं उनकी, पता है ना, बदबू उठ रही होती है। जी जी, तो अल्लाह माफ करें, इनके साथ भी यही हाल है। और जितने इनके ड्रामे शुरू हो चुके हैं ना, मुझे लगता है इनकी बर्बादी के दिन आते हैं। हाँ, तो बहन भाई मैं आपको बता दूँ कि ये एंड होता है। जब भी ऐसी वैसी कोई वीडियो लगती है तो ये इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं, वे फलाह बंदे ने तुझे गाली दे दी, फलाह बंदे ने तुझे गाली दे दी, फलाह बंदे ने तुझे गाली दे दी। फिर रात को बैठ के मीटिंग होती है उनकी, फिर उस दौरान वो कमेंट्स भी रीड किए जाते हैं, फिर कमेंट्स जो गालियाँ देते हैं उनको रिमूव करके स्क्रीन शॉट लेके करते हैं, स्क्रीन शॉट ले के फिर उन्हें रिमूव किया जाता है, फिर वो सबको दिखाए जाते हैं कि ये लो जी, ये तुम्हारे खिलाफ फलाह ने ये बोला। वो कहते हैं यार मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो डाल चाहिए। तो वाकई इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से पहले भी कभी नहीं फर्क पड़ा इन्हें। हाँ, और अब क्या फर्क पड़ेगा, अब क्या फर्क पड़ना। फिर कह देते हैं जी हमारी ये तो गाली गलौज तो छोटी मोटी बातें हैं, जिनके घरों में इतने बड़े बड़े वाक्य हो जाएं उन्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। भी आपने जो लकब दिया मैंने को बड़ा अच्छा दिया। बस ये हमारा वैसे मैं मुझे तो ऐसा हुआ है, अगला कंटेंट इनका क्या होगा कि मेरी बीवी भाग गई? नहीं, यही होगा, होना चाहिए, होना तो यही चाहिए। नहीं नहीं, कभी कोई भाग जाता, कभी शादी के दो कराने के लिए कोई भाग जाता, कभी बड़ा भाग जाता भाई, कभी छोटा भाई भाग जाता है, कभी इनके भतीजे भाग जाते हैं, कोई कब्रिस्तानों में पड़ा होता है पागल बन गया। तो इसलिए जो इंसान अगला कंटेंट इनका अगर आए ना कि हमारी बीवी भाग गई, यकीन मानने इनके पास डॉलर नहीं खत्म होगी, क्योंकि इज्जत इन्होंने वैसे ही पेच खाई है। हाँ जी, और जो मुझे आगे को इनके बारे में कमेंट्स करते हैं कि लोग अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी ऐसे ही उन वो भी उनको उन्होंने भी घरों में इनकी अपनी आईडी है वो सारी। जी, इनकी अपनी आईडी है, और अगर इनकी कोई आईडी नहीं भी है वो किसी और की आईडी है, तो मेरे ख्याल से फिर उन्होंने भी अपने घरों में ऐसे ही जीना मुश्किल किया होगा सबका। हाँ जी, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, उनको ये चीज़ अच्छी लगती होगी। तो बहन भैया झगड़े तो जो होते हैं ना हर घर के, हर घर की कहानी है, तो यहाँ पे लोग देखने आते हैं। हमारी बहुत दफ़ा लड़ाई हुई है आपस में, काफ़ी दफ़ा लड़ पड़ते हैं। ठीक है, किसी न किसी चीज़ पे कोई ना कोई खटपट हो जाती है, हो जाती है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी अपनी इस चीज़ को कभी भी यूट्यूब पर नहीं लाए। जी, मगर ये अच्छा, तो जनाब आप असलम खान की वीडियो चेक करते हैं ना? कौन सी? हाँ नहीं, क्या पता नहीं, मेरे मुंह से सुनते कुछ और वो जहाँ पे ना इसके बाप ने कहा था कि अपनी बीवी को तलाक दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो वहाँ पे से जब ये उम्रे से वापस राज खोल रहे थे, अपने सारे चट्ठे बट्ठे खोल रहे थे, उम्रे से वापस आए थे? नहीं, हाँ जी, उम्रे पे जाना था, जाना था, जाना था। हाँ बस जाना था या वापिस आए थे, ऐसी कोई वापिस आए थे, वापिस वापिस आए थे। तो फिर उस दौरान जो है ना ये तमाशा इनका खड़ा हुआ था, तो इनके बाप ने कहा था तुम अपनी बीवी को तलाक दो, और फिर दूसरी जो बातें की गई थी वो आपको याद ही होगा। फिर उसने अपनी अपने बाप के लिए जो उनके असल में हमारी जो भोली ऑडियंस है ना जी, ये भूल जाती है। उन्होंने कहा था मेरा बाप मेरा तो को भाई गली में खड़ा कर दिया करता था, मैं मारा करता था, हमें पीटा करता था, ये था वो था, हमें रोटी नहीं दी जाती थी, हमें बिजली की तारों के साथ मारा जाता था। तो आप सबके सामने ही है बहन भाई,
तो मेरे ख्याल से वो वीडियो क्यों जो है ना आंखों से उजल हो गई है आप सबके, वो वीडियो भी तैयार करेंगे। तो उन वीडियोस में देखे जाके इन्होंने अपनी औकात दिखाई है, उसने अपने खानदान के बारे में सब कुछ बता दिया कि मेरा खानदान क्या है, मेरा बाप क्या करता रहा है और किसके कितने बाप है, किसके कितना कुछ सब कुछ बता दिया। और यहाँ पे ये आज लेडीज को गालियां देने पे बैठा हुआ, खासकर लेडीज को, फिर इसके पीस करके ना फिर इसको ना हल्का हल्का सा ना दम पे लगाएंगे ताकि ये अंदर से पक जाए, ये ना कच्चा ना रहे, और इस पे घी डालने की मजा भी ज़्यादा ही है। क्यों, मैंने तो यही बात की है ना कि जिनके घरों में इतने बड़े बड़े वाकये हो जाए ना जी। तो वो उन चीज़ों पे कोई एक्शन ना ले। हाँ जी ठीक है, तो उनके लिए तो इज्जत आनी ना जानी, इज्जत होनी ना होनी है कि जैसी है। अगला कंटेंट इनका इसकी बीवी भाग जाएगी और मेरा थंबनेल भी यही होगा। अच्छा, बीवी भाग गई दोनों से ही, बीवी भाग गई। अच्छा चलो चलो कोई नहीं। तो जी हमारा हो चुका है मछली अंडा तैयार, और आपको अभी ना मुकम्मल तैयार नहीं, मुकम्मल नहीं है ये, मतलब अपना मछली शेप में आ चुकी है और उसके बाद ये इसके जो है स्लाइसेस हो रहे हैं मछली की तरह, और इसके ऊपर जो है ये अभी घी के अंदर, घी इसके अंदर तक जाएगा और पकेगा। और मैंने ये कोई यूट्यूब वगैरह से नहीं सीखा। हाँ जी, उस टाइम तो यूट्यूब का नामो निशान भी नहीं था। हाँ जी, जब हमें सिखाया गया था हमने अपनी मम्मी से सीखा था, हमारी मम्मी भी बनाया करते थे। भाई हमारे खानदान हमारे घरों में बच्चियों को सिखाया जाता है। हाँ जी, हमारे घरों में लड़ाई नहीं सिखाई जाती, खाना पकाना सिखाया जाता है, घर बसाना सिखाया जाता है। गलियों में लूम लूम भोंकने के लिए नहीं छोड़ा जाता, अभी से घर में बड़े दूसरे में बड़ो तीसरे में बड़ो, एक एक हफ्ता नहाओ ना कपड़े में चेंज करो, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, गर्मी में। चले मैं जरा देखूँ, मेरा मोबाइल में कॉल आ रही है। ठीक हो गया जनाब, मिक्सर पे चाय रख दूँ बनने के लिए।